सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक्वेरियम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम अपने एक्वेरियम के लिए 3D बैकग्राउंड कैसे बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसके लिए हम सैंडफॉल कैसे बनाएं, जैसे अंडर वाटर सैंडफॉल जो होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी 2 शीट स्टायरोफोम की, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। तो हमारी फर्स्ट शीट बिल्कुल फ्लैट और प्लेन होनी चाहिए, बट आप सेकेंड शीट के लिए कोई भी टुकड़ा या ख़राब थर्माकोल या स्टायरोफोम यूज़ कर सकते हैं। और हमें लगेगी एक ब्लेड, सैंड पेपर और सिलिकॉन। तो अब हम जो हमारी सेकेंड शीट है, जो कि बराबर नहीं है या फिर आप अगर अच्छी भी यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है, तो उसे हम तोड़ लेंगे, बट अनइवनली तोड़ेंगे। कैसे भी हम उसे तोड़ देंगे ताकि उसमें ना स्टोन का बहुत नेचुरल लुक आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तोड़ लिया, उसे हम लाइन से अरेंज कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में उसे लगाने में। फिर आप देख रहे हैं अरेंज करने के बाद मैंने उसमें नंबरिंग डाल रहा हूँ, ताकि जब हम उसे सिलिकॉन से चिपकाए उसमें तो हमें इजीली मालूम होगा कि कौन सा स्टोन कहाँ का है, उसका लुक अच्छा आएगा। इसमें आप कैसा भी ये स्टोन आप डिज़ाइन में कट कर सकते हो, सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे नॉर्मली बस तोड़ दिया है। अगर आपके मन में कुछ और है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, बट मेथड सेम फॉलो होगा। तो अब आप एजेस जो हैं उसके आप सॉ से काट देंगे, ब्लेड से काट देंगे और उसे सैंड पेपर से स्मूथ कर देंगे, और स्मूथ करते करते आप सेम वही जगह पे रखते जाएंगे ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मैं एजेस उसके काट दे रहा हूँ। सिर्फ आपको एजेस ऊपर साइड से काटने हैं, नीचे साइड से हमारा स्टोन बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए ताकि अच्छे से चिपक जाए शीट पे। और इसमें आपको ना डेंस वाला स्टायरोफोम यूज़ करना है। आप नॉर्मल स्टेशनरी पे जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए रहता है आप वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला स्टायरोफोम मैंने यूज़ किया है, ये फिश शॉप पे आपको मिल सकता है, जहाँ पे लोग फिश की होलसेल मार्केट होती है वहाँ पे बॉक्स होते हैं स्टायरोफोम के, वो मैंने लिया हुआ है और उसकी वॉल्स कट कर दी हुई है। तो एजेस आप जब स्मूथ कर देंगे तो उसे रखते जाए आराम से, और फिर बाद में उसे आपको क्या करना है कि सिलिकॉन से लाइन टू लाइन चिपकाना है। हम देख रहे हैं मैं सिलिकॉन से चिपका रहा हूँ। आप चाहिए तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पानी में यूजुअली मेल्ट हो जाता है, बट हम इसे सीमेंट से जब कोट करेंगे तो वो सील हो जाएगा और मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने फेविकॉल भी यूज़ किया था, मेरा सिलिकॉन ख़त्म हो गया था। तो अब हम अपना मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए आपको सीमेंट चलेगा, जो कि मैंने अंबुजा सीमेंट यूज़ किया, आप कोई भी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट कोटिंग की आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि कैसी होगी, एकदम लिक्विडी होगी, पानी जैसी, ऑलमोस्ट पानी जैसी, बट अच्छा खासा सीमेंट की अमाउंट होगी, बट पहले ही हमारी एकदम लिक्विडी होगी। तो हमें सिर्फ इसे कोट करना है ताकि जो हमारे स्टोन्स हैं उनको अच्छी सी ग्रिप मिल जाए, और कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कोट है तो इसका हम कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते, हमें अच्छे से सील कर देना होगा। और फर्स्ट कोटिंग को आपको कम से कम 3 से 4 घंटे सूखने के लिए रखना है, और जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आपको सेकेंड कोट और थर्ड कोट लगानी होगी। अगर आपको ज़्यादा डेफिनेशन नहीं चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्टोन्स के बीच में गैप छोड़ी हुई है, वो इसलिए ताकि सीमेंट उसमें जब फिल हो जाए तो थोड़ा नेचुरल लुक आए। लेकिन अगर आपको वैसा लुक नहीं चाहिए, आप
बता देता हूँ, जैसे कि सीमेंट इसके लिए आपको लगेगा, मेरा टैंक था 2.5 फीट का, तो इसके लिए आपको 2.5 फीट बाई 2 फीट था, तो उसके लिए मुझे सीमेंट लगा करीब 4 किलो। और सीमेंट अगर आप खुला लेने जाएंगे मार्केट में तो 13 से 14 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा, तो इसमें आपको मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा आएगा सीमेंट का, 100 रुपये के अंदर ही हो जाएगा ब्रश मिला के। और स्टायरोफोम अगर आप फिश शॉप से लेते हैं तो आपको, अगर उसके पास बॉक्स है तो आपको इजीली सस्ते में मिल जाएगा, मुझे 20 में मिल गया था। अगर स्टेशनरी में रहते हैं तो थोड़ा महंगा मिलेगा। अब देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट कोटिंग मेरी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो मैं सेकंड कोटिंग कर रहा हूँ, तो आपने देख लिया सेकंड कोटिंग मेरी बहुत ठीक है, क्योंकि ये हमारी है ना थर्मोकॉल को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्टायरोफोम को स्ट्रेंथ देने के लिए, तो इसमें हमारे स्टोन को स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि वो पानी में जाने पर टूट ना जाए और ना ही मेल्ट हो फर्स्ट लेयर। तो हमारी सेकंड और थर्ड लेयर सिर्फ और सिर्फ इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, तो अच्छी सी आप कोटिंग दे दें, इवनली कोटिंग, कहीं पे भी छोड़ ना दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके स्टोन्स थोड़े पतले होते तो इस जगह पे आपका लाइनों के बीच में सीमेंट फिल हो जाता और आपके स्टोन्स दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन मैंने थिक स्टोन्स यूज़ किए थे, थिक स्टायरोफोम यूज़ किया था, इसलिए मेरे अभी तक विजिबल है। ये बनाने में आपको लगभग 3 दिन लग सकता है, क्योंकि इसे हमें फर्स्ट कोटिंग और सेकंड कोटिंग तो फर्स्ट डे में कर देंगे, बट सेकंड लास्ट थर्ड कोटिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे दिन करें, और जो सेकंड कोटिंग है उसको पहले दिन जब आप सूखने के लिए रखें तो 3 से 4 घंटे के बाद उस पर पानी स्प्रे करते रहें, तो उससे ये होगा कि कोई कोई सीमेंट होते हैं जो क्रैक हो जाते हैं, तो वो आपका सीमेंट क्रैक नहीं होगा, तो इसलिए उस पर पानी डालते रहें। और जब आप नेक्स्ट डे आप थर्ड कोटिंग करेंगे तो उसको भी आप 2 दिन के लिए सूखने दें, अच्छे से सूख जाए। तो देखिए आप, जैसे कि मेरी थर्ड कोटिंग हो गई है, वो एकदम सूख चुका है, स्टोन्स का थोड़ा डेफिनेशन कम हो गया है, लुक कम हो गया है, बट मुझे इसे नेचुरल लुक देना था इसलिए मैंने वो किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट कोटिंग जैसी पानी जैसी कोटिंग की है और उसके ऊपर मैं काली सैंड छिड़क रहा हूँ। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए मैंने किया है। सिर्फ आप एकदम पतली सी कोट सीमेंट की ले लीजिए, उस पर सीमेंट छिड़क दीजिए, और आपका एक्वेरियम का 3D बैकग्राउंड बनने के बाद आप उसे सिलिकॉन से अपने एक्वेरियम में पीछे चिपका दीजिए और 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू।